धार जिले के नालछा को तहसील मुख्यालय बनाने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। नालछा विकास खंड को तहसील मुख्यालय बनाने को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें नालछा को तहसील मुख्यालय बनाने की मांग की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है एवं यहां ग्रामीण जनजातीय के 80% लोग नालछा मांडव व आसपास के गाँव में निवास करते हैं, जिनका सीधा संपर्क नालछा से है। विकासखंड का केंद्र बिंदु भी नालछा ही है। ऐसे में नालछा तहसील का मुख्यालय पीथमपुर को बनाया जाना क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय है। नालछा क्षेत्र आदिवासी होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ा है, जो तहसील मुख्यालय के कार्य से पीथमपुर जाना लोगों की मजबूरी बन गई। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। की जमीन बंटवारा, छोटे मोटे वाद विवाद और न्यायालय में चलता रहता है, इस कारण ग्रामीण आदिवासी दैनिक मजदूरी व किराया खर्च लगाकर वर्तमान में पीथमपुर कार्यालय जाने से तहसील की दूरी नालछा से 85 किलोमीटर दूर हो गई है। इस कारण नालछा क्षेत्र की ग्रामीण के आने जाने का खर्च किराया अधिक है। गरीब वर्ग के लोग पीथमपुर जाने में 500 रुपये तक का किराया भाड़ा लगाता है और काम न होने पर दूसरे दिन फिर 500 रुपये किराया खर्च करने पर 4 दिनों तक मजदूरी पैसा तहसील कार्यालय में लग जाएगा तो बच्चों का परिवार पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यह तहसील कार्यालय यथावत नालछा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आदिकाल से ही कई बड़े बड़े सिद्ध